आजकल के बच्चे मतलब 6 साल से नीचे के बच्चे हमेशा गिरते ही रहते हैं, मतलब साइकिलिंग के दौरान, नहीं तो स्केटिंग के दौरान, नहीं तो ऐसे ही दौड़ते भागते वो गिर जाते हैं और गिरने से उनका नी छिल जाता है, उसके बाद एल्बो नहीं तो हाथ भी छिल जाता है, तो उनके लिए ये जरूरी चीज है। तो साइकिलिंग के दौरान नहीं तो स्केटिंग के दौरान आप इसको पहना सकते हैं। फिलहाल अमेजन और फ्लिपकार्ट पे इस तरह का बच्चों का सेफ्टी गार्ड्स बहुत से अवेलेबल है, लेकिन कौन सा अच्छा है या फिर कौन सा आपके बच्चों को फिट होगा वो जानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट पेज में बहुत सारे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। बोला जाता है कि ये 6 to 12 इयर्स के बच्चों के लिए है, लेकिन जब आप खरीदेंगे तब ये फिट नहीं होता है, तब ये बड़ा निकलता है। तो कौन सा प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव और आपके हेल्प के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप सही प्रोडक्ट खरीद सके। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने रिव्यू किया था किड्स साइकिलिंग प्रोटेक्टिव गार्ड्स का, लेकिन वो वाला प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं था, तो उस वीडियो में मैंने बोला था आपको ये वाला खरीदना चाहिए। तो आज मैं करने वाला हूँ इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग, क्योंकि ये अच्छा प्रोडक्ट है। तो चलिए करते हैं इसका अनपैकेजिंग। ये मुझे ऐसा एक बैग में रिसीव हुआ है पिंक कलर का, तो इसमें ये देखिए, ये हो गया 2 हैंड गार्ड या रिस्ट गार्ड, उसके बाद ये हो गया एल्बो गार्ड, 2 एल्बो गार्ड, और उसके बाद ये हो गया नी गार्ड। ये पिंक कलर में मैंने बाय किया है, अलग अलग कलर में मिलता है। तो ये नी को बचाएगा, ये एल्बो को बचाएगा और ये हाथ को बचाएगा। तो ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है आपके छोटे बच्चों के सेफ्टी के लिए। तो साइकिलिंग के दौरान नहीं तो स्केटिंग के दौरान आप इसको पहना सकते हैं, और इसका दाम भी ज्यादा नहीं है। इसका दाम है 379 रुपीज, और दाम के हिसाब से क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो इनको मैं पास से दिखा देता हूँ। ये हो गया नी गार्ड, इसके पीछे ये वेलक्रो वाला इलास्टिक है, और ये कुशन है, बहुत ही सॉफ्ट है, प्लास्टिक भी बहुत सॉफ्ट है। तो इन प्रोटेक्टिव गार्ड्स को मैं रिकमेंड करता हूँ। इसमें जो प्लास्टिक है ये देखिए, बहुत सॉफ्ट प्लास्टिक है, आप देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो दिखाया था उसमें हार्ड प्लास्टिक था, ये बहुत सॉफ्ट प्लास्टिक है। और अंदर में जो कुशन है ये भी बहुत सॉफ्ट है। एक्चुअली ये बिना प्लास्टिक का ही यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक को अगर आप निकाल देंगे तो ये और भी कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये जो कुशन है उसका थिकनेस देखिए कितना बड़ा है, कितना मोटा है। तो बिना प्लास्टिक का ही ये प्रोटेक्शन देता है। और हैंड गार्ड जो है ये भी इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, और इसमें भी ये प्लास्टिक को आप निकाल देंगे तो ये और भी कंफर्टेबल हो जाता है। तो इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप खरीद सकते हैं। प्रोडक्ट पेज में बोला गया है ये 6 to 12 इयर्स के बच्चों के लिए है, लेकिन ये 5 साल के बच्चों को भी फिट हो जाता है, ये एक अच्छा बात है। तो चलिए इसको पहना के देखते हैं एक 5 साल की बच्ची को, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये फिट होगा कि नहीं। तो ये देखिए 5 साल के बच्ची को नी गार्ड कितने अच्छे से फिट हो गया है। तो अभी बारी है एल्बो गार्ड का। ये देखिए एल्बो गार्ड 5 साल की बच्ची को कितने अच्छे से फिट हो गया है। तो देखिए एल्बो गार्ड पहन के हाथ को बेंड भी कर सकती है। तो अभी बारी है हैंड गार्ड का। तो ये देखिए दोनों हैंड गार्ड पहन लिया है। हैंड गार्ड थोड़ा सा बड़ा जैसा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ये जो प्लास्टिक है इसको निकाल देंगे ये और भी अच्छे से फिट हो जाएगा। मैं इसको निकालने ही वाला हूँ। तो ये देखिए मैंने ऊपर का जो प्लास्टिक है वो निकाल दिया है, और देखिए कितने अच्छे तरह से फिट हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पे सिलाई करना पड़ेगा, यहाँ पे अभी बहुत कंफर्टेबल है, आप भी निकाल सकते हैं प्लास्टिक को, तब ये और भी कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये देखिए हो गया नी गार्ड अच्छे से फिट, उसके बाद हैंड गार्ड, उसके बाद ये एल्बो गार्ड, मतलब ये बच्ची अभी पूरा सेफ है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ये वाला सेट खरीद लीजिए। तो कंक्लूजन ये है कि ये वाला सेफ्टी गार्ड्स बहुत अच्छा क्वालिटी का है, साथ ही प्रोडक्ट पेज में जो भी बोला है वो सही है, मतलब ये छोटे बच्चों के लिए ही है, 5 साल के बच्चों को भी ये फिट हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो काम का लगा। अगर काम का लगा तो एक लाइक कीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक दूसरे रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।